अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ Y9 2018 की अनबॉक्सिंग। एयरलिंक की वारंटी में रहता है, बॉक्स आपके सामने है। मेरा ये चैनल होगा जो आपको पाकिस्तान में पहली अनबॉक्सिंग दे रहा होगा Y9 2018 की। एयरलिंक की वारंटी, वारंटी कार्ड, रैपर चढ़ा हुआ है, साइड पर आई एम स्टिकर्स हैं, हुआवे टेक्नोलॉजी को लिमिटेड का स्टिकर है, और आपको बता चलूँ कि ये मिलता है 3GB, ये आपको मिलता है 3GB रैम और 32GB रोम में। प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस इसकी मार्केट में देखने को मिलती है हमें 26,500, लेकिन नॉर्मली डीलर्स के पास हमें ये 24-25,000 रुपये में अवेलेबल हो जाता है। मैंने बाय किया है 24,500 रुपये का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और शेयर और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता लगे आपको मेरी वीडियो पसंद आती है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये है Y9 2018। हुआवे की तरफ से हमें इस साल के शुरू से ही बहुत सारी डिवाइसेस मिल रही हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें मिलता है हमें प्रोटेक्टर, एक इंजेक्टर सिम, मैनुअल बुक मिलती है हमें इसमें, और मिलता है हमें सिलिकॉन कवर। हुआवे अब अपने फ़ोन्स का सिलिकॉन देता था कि हमारे कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम ना हो कि मार्केट में कोई कवर लेना चाहे तो ना मिले। और चार्जर की बात करेंगे तो चार्जर मिलता है 2 एम्पीयर 5 वाट के साथ, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। बैटरी मिलती है इसमें 4000 mAh की यूज बैटरी, और चार्जिंग कनेक्टिविटी मिलती है हमें माइक्रो USB 2.0 के साथ। अगर टाइप सी होता तो बेहतर होता, और इसके अंदर आपको मिलेगी हैंड्स फ्री। तो ये थी एक्सेसरीज़ एक नॉर्मली जो हर फोन के साथ आती हैं। अब करते हैं इसको रैपर से बाहर Y9 को। 4 कैमरा मिलते हैं, फ्रंट पर डुअल मिलता है, रियर पर डुअल मिलता है, हुआवे फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, 4000 mAh की बड़ी बैटरी, 3GB और 32GB की आपको रोम मिलती है। रियर साइड पे फिंगरप्रिंट लॉक मिलता है, एक कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का, एक मिलता है 2 मेगापिक्सल का विद LED लाइट, हुआवे का लोगो। फ्रंट पर मिलता है 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा, जो कि बहुत अच्छे पोर्ट्रेट मोड देना चाहता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर इस तरह के बहुत सारे रिव्यूज और इसके कंपैरिजन जिससे अगर आपको करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं किस फ़ोन के साथ इसका कैमरा कंपैरिजन आपको करके बताऊँ। फ़ोन को करते हैं एक्टिवेट। साथ के साथ ही इसके अंदर हम कर लेते हैं फिंगरप्रिंट को ऐड। फिंगरप्रिंट थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन हमने आपको इस चैनल पर इसका ऑल ओवर रिव्यू देना है। आज मैं आपको इसके थोड़ी सी बहुत फेस अनलॉकिंग की भी बात करूंगा और इसके फिंगरप्रिंट लॉक की स्पीड की भी बात करूंगा। सो गाइस, फाइनली डिवाइस ऑन हो गई है। हुआवे Y7 2018 फर्स्ट इन हैंड आप देख रहे हैं मेरे हाथों में। अब देखते हैं इसके मेन्यू में आपको थोड़ा बहुत क्या मिलता है। हुआवे ने थोड़ा बहुत आपको गेम्स भी बिल्ट इन देना शुरू की हैं ऐप्स के अंदर। अब चलते हैं सेटिंग्स में। अबाउट में जाएंगे तो सबसे पहले इसके अंदर आपको मिलेगा EMUI 8.0 ऑडियो के साथ अनबॉक्स मिलता है ये। इसके अंदर आपको जो CPU और GPU देखने को मिलेगा, GPU मिलेगा मालिक का और CPU मिलेगा आपको हाई सेलिकॉन 659 का, 3GB रैम, 32GB रोम मिलती है, बकाया मेमोरी मिलती है एप्लीकेशन के बाद आपको 22.64 की, और इसके अंदर आपको 2160x1080 pixel मिलता है, फुल HD डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छे कलर्स हैं, काफ़ी अच्छा बैलेंस डिवाइस नज़र आ रहा है ये। तो अब ऑल ओवर इसको यूज़ करके इसके रिव्यू के अंदर पता लगेगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा और बिल्ड क्वालिटी की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर ये उन लोगों के लिए है जो 2 सिम्स के साथ मेमोरी कार्ड स्लॉट यूज़ करना चाह रहे हैं। आप इसकी एक्सटेंडेबल मेमोरी भी आपको मिलती है, 2 सिम के साथ आप मेमोरी कार्ड भी डेडिकेटेड स्लॉट में लगा सकते हैं। और इसमें मिलता है आपको माइक्रो USB 2.0 साइड पर, नीचे की साइड पर एक मिलता है 3.5mm का जैक, और साथ मिलता है स्पीकर और माइक। रियर साइड पर इसकी नॉइस कैंसलेशन माइक मुझे कहीं नज़र नहीं आया, रैपर ऑफ करके देखते हैं। हुआवे का लोगो मिलता है, रियर साइड पर फिंगरप्रिंट लॉक मिलता है, काफ़ी अच्छा कलर्स दे रहा है
ब्राइटनेस की बात करूँ तो ब्राइटनेस भी बेहतर है। अब चेक करते हैं इसका कैमरा। हेलो दिस इज़ अली। तो कैमरा भी मुझे इस टाइम ठीक लग रहा है, लेकिन ऑल ओवर अगर इसका रिव्यू लेना है तो उसका आपको करना पड़ेगा वेट, और इस वीडियो को करना पड़ेगा लाइक और शेयर। बैक कैमरे की बात करें तो बैक कैमरा भी काफ़ी बैलेंस है। पोर्ट्रेट की बात करूँगा तो पोर्ट्रेट थोड़ा सा कैप्चर करके देखेंगे। वाओ, वाइड अपर्चर में काफ़ी हद तक इसका अपर्चर लो लाइट है मेरे पास, लेकिन बड़ा बैलेंस कलर दे रहा है। तो सो गाइज, ये भी एक कैमरा डिवाइस होने वाली है। पिक्चर्स बड़ी आला आती हैं इसके अंदर, और अगर कलर्स की बात करूँ तो डायनामिक रेंज की बात करूँ तो मुझे अभी तक बेहतर लग रही है, लेकिन आगे चल के पता लगेगा इसका कैमरा हमें डे लाइट और नो लाइट में क्या कलर्स देता है क्या नहीं। अब कर लेते हैं इसकी फेस अनलॉकिंग का टेस्ट। फेस मैंने ऐड कर लिया और गाइज काफ़ी फास्ट अनलॉक कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, लैग कुछ नज़र नहीं आ रहा। और मैं आपको साथ साथ ये भी बता चलूँ कि आज इस अनबॉक्सिंग में एक गिव अवे भी है। फिंगरप्रिंट लॉक को चेक करेंगे तो फिंगरप्रिंट लॉक भी इसका काफ़ी फास्ट है। गिव अवे में मैं आपको बता चलूँ कि आपने जैसे इसको करना है शेयर, फेसबुक पेज पर करना है कमेंट, #mastag करना है आपने, और गिव अवे में मिलेंगे आपको ये वायरलेस हेडफोन्स। यकीन मानिए जिसको भी ये मिलेंगे वो मुझे याद ज़रूर रखेगा। इसका साउंड बहुत अच्छा है, ब्लूटूथ हेडसेट्स हैं, तो गिव अवे होगा ब्लूटूथ हेडसेट का। करना है आपने इसको फेसबुक पर शेयर, और इस महीने के एंड पर होगा गिव अवे। थी अनबॉक्सिंग Y9 2018 की। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मुझे तो पता लगेगा ऐसे कि लाइक और शेयर से। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से। अल्लाह हाफिज़।